हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ठीक, यहाँ से देखो, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म क्या था? सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस टुगेदर मेक्स प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फर्स्ट लिक्विड भी इसका लिटरल मीनिंग था। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज अ वेरी थिन स्किन कवरिंग द सेल। ये क्या है? सेल के बाहर से एक पतला सा कवरिंग होते हैं, वो यानी सबसे बाहर वाला कवरिंग। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं? कुछ फंक्शन प्ले करते हैं, जैसे कि नंबर वन, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। ये सबसे बाहर वाला कवर है, तो ये सब पहला काम क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन का काम देगा। दूसरा क्या है? इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये क्या करते हैं? सेल को शेप देते हैं। ओके, नंबर थर्ड देखो, इट अलाउस मटेरियल टू इंटर एंड लीव द सेल थ्रू द टीनी होल्स। ये क्या करते हैं? जो चीज़ों को सेल के अंदर आने देते हैं और बहुत सारे मटेरियल्स को सेल के बाहर जाने देते हैं। यानी ये देखो, अगर ये सेल मेम्ब्रेन होगा, बहुत सारे मटेरियल्स इनसाइड भी आएगा, बहुत सारे मटेरियल आउटसाइड भी जाएगा। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का भी काम देगा, और साथ साथ में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से सेल को एक शेप भी मिलता है। ठीक है, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके फंक्शन के बारे में। ओके, अब नंबर नेक्स्ट देखो, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या था? मतलब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके सबसे सेंटर में हमने देखा था ये न्यूक्लियस था। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, तो ये जो फ्लूइडी पोर्शन होते हैं, ये वाला पोर्शन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोस, साइटोप्लाज्म। काइटोस मीन्स होलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिक्विड। ओके, द साइटोप्लाज्म इज ए जली लाइक सबस्टेंस। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जली लाइक सबस्टेंस है, ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इन साइड द सेल। ये क्या करते हैं? सेल के सबसे इनसाइड वाले जो खाली जगह होते हैं, उसको पूरा घेर कर होते हैं। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं? अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा या सेल मेम्ब्रेन होगा और न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होते हैं, इसको ऑक्यूपाई करते हैं, इससे घेरा होते हैं, ये होते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, अब देखो, हाँ, ऑल द लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। लाइफ के जितने भी फंक्शन होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, द साइटोप्लाज्म कंटेन्स मैनी इंपॉर्टेंट टीनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इनकी इन ऑर्गेनेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। विच परफॉर्म द वेरियस लाइफ फंक्शन, जो क्या करते हैं? सेल के बहुत सारे काम को करते हैं। मसलन, अगर ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में जैसे मसलन ये हो जाते हैं, बस इसको हम मानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स होते हैं, उसके अलावा गोल्गी एपरेटस होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन देयर इज ए फ्लूइडी पार्ट विच इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन साइटोप्लाज्म द सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट। ठीक है, ओके, आप नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियस। ये अगर सिंगुलर होगा तो न्यूक्लियस, प्लूरल होगा तो न्यूक्लाई। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब क्या होते हैं? कर्नल। ओके, हाँ, द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होते हैं? सेल के सबसे इनर मोस्ट साइड में होते हैं, और इसको घेरा होता है किससे? साइटोप्लाज्म से। यानी न्यूक्लियस के बाहर से साइटोप्लाज्म होगा। द न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम सेल का क्या कहते हैं? बॉस कहते हैं। जस्ट लाइक योर स्कूल प्रिंसिपल, जिस तरह से आपके स्कूल का प्रिंसिपल क्या है? बॉस ऑफ द स्कूल है, उसी तरह से बॉस ऑफ द सेल कौन होते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, एज द प्रिंसिपल कंट्रोल्स एवरीथिंग ट्रेकिंग टेकिंग प्लेस इन द स्कूल। जिस तरह से स्कूल में प्रिंसिपल का काम क्या होते हैं? जितने भी काम स्कूल में होते हैं, वो सारा प्रिंसिपल के कंट्रोल में होते हैं। उसी तरह से द न्यूक्लियस आल्सो कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द सेल। न्यूक्लियस क्या करते हैं? सेल के अंदर जितना काम होते हैं, वो सारा कंट्रोल कौन करते हैं? न्यूक्लियस करते हैं। ओके, जस्ट लाइक ए बॉस। ठीक है, इसलिए हम न्यूक्लियस को बॉस ऑफ द सेल भी कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस। ज्यादातर सेल में न्यूक्लियस एक ही होते हैं। ज्यादातर सेल में न्यूक्लियस कितने होते हैं? सिर्फ एक होते हैं। सेल
कुछ सेल्स लाइक द मसल सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। मसल सेल्स में अगर देखेंगे तो इनमें एक न्यूक्लियस नहीं बल्कि एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितने भी सेल्स हैं उनमें अक्सर सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और मसल सेल में अगर देखेंगे तो इसमें मोर देन वन सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, आप देखो, डू यू नो रेट मेच्योर्स ब्लड सेल यानी RBCM डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस। उसके पास क्या होते हैं? न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ओके। रेट मेच्योर मेच्योर ब्लड सेल है। न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ फोर पार्ट। न्यूक्लियस क्या होते हैं? एक स्फेरिकल बॉडी होते हैं जिसमें चार पार्ट्स होते हैं। मसलन अगर ये हुआ, अगर आपका सेल मेम्ब्रेन, अगर इसको मानेंगे हम न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस को अगर हम यहाँ पर बढ़ा करके बनाएंगे ए वाला, ठीक है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ओके। तो इसके कितने हिस्से होते हैं? चार हिस्से, चार पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस के सबसे बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अलावा यहाँ पर जो लिक्विड पोर्शन होते हैं, ये वाला लिक्विड पोर्शन होते हैं, इस लिक्विड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियर सैप, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लोप्लाज्म, यानी न्यूक्लोप्लाज्म मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फ्लूडी पोर्शन, ठीक है। नंबर थर्ड है न्यूक्लोलस। न्यूक्लोलस क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से एक स्ट्रक्चर आएगा, कंडेंसेड, ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लोलस होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स भी अगर न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे स्पाइरल शेप में इस तरह से क्रोमोसोम्स मिलेगा, ठीक है। ये चार पार्ट्स कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियर न्यूक्लोप्लाज्म से अलग करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस का फ्लूइडी पोर्शन है, यानी वाटरी पोर्शन है। न्यूक्लोलस क्या होते हैं? न्यूक्लोलस जो है कंडेंसेड स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये क्रोमोसोम्स भी क्या होते हैं? आपके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जहां पर DNA प्रेजेंट होगा, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन, आप देखो, द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये अभी अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस का सबसे बाहर वाला पोर्शन को हमने क्या बोला था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला था। इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये क्या करते हैं? न्यूक्लोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करते हैं, यानी अलग करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह हैज ए टीनी होल्स। इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी क्या होते हैं? छोटे छोटे होल होते हैं विच अलाउ एक्सचेंज ऑफ सबस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म, जो क्या करते हैं, मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लोप्लाज्म के बीच में ट्रांसफर करते हैं। मतलब जिस तरह से हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन में की चीजें बाहर भी जा रहा था और अंदर भी आ रहा था, क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पर होल्स थे। उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कुछ चीज़ें साइटोप्लाज्म में जाएगा और साइटोप्लाज्म से बहुत सारे मटेरियल्स इनसाइड आते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर होल है, जस्ट लाइक इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो, द जेली फ्लूड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लोप्लाज्म बोलते हैं। क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लोलाय आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लोप्लाज्म। न्यूक्लोप्लाज्म यानी इस फ्लूड में क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और साथ साथ में न्यूक्लोलाय भी प्रेजेंट होगा, ओके। अब देखो, क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स जो है बिल्कुल थ्रेड की तरह एक स्ट्रक्चर होते हैं विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये क्रोमोसोम क्या करते हैं? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर होते हैं उसको ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन जनरेशन में अगर देखेंगे तो पेरेंट्स का अगर हेयर कलर अगर ब्लैक होगा, बाल के कलर अगर ब्लैक होगा पेरेंट में, ठीक है, ब्लैक हेयर कलर होगा, तो उसके ऑफस्प्रिंग में यानी न्यू यंग वंस में अगर उसमें कैरेक्टर को ट्रांसफर करना होगा तो उसके बाल का कलर को भी ब्लैक होने के लिए क्या चाहिए? इसमें क्रोमोसोम्स का रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है, ओके। यानी कैरेक्टर को ट्रांसफर इनहेरिट करने में क्रोमोसोम्स का रोल ज्यादा है, ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अब काम क्या है? नंबर वन, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये अभी हमने अभी अभी पढ़ा। न्यूक्लियस पहला काम क्या करते हैं? पहला काम करते हैं कि कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, जैसे हेयर के ब्लैक कलर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किया था, ठीक है। ये पहला काम किसका है? न्यूक्लियस का, ठीक है। न्यूक्लियस के आप किस पोर्शन का है? क्रोमोसोम्स का है, ठीक है। इसलिए ये हो गया फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ओके। ये देखो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स, लेकिन बिफोर ऑर्गेनेल्स को इसको देखने से पहले
हम पहले ये पढ़ेंगे। अब देखो नंबर सेकंड यानी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस का दूसरा पॉइंट, कंट्रोल्स ऑल द लाइफ फंक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। न्यूक्लियस का दूसरा काम क्या है, सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं उन सारे काम को कंट्रोल करने का एडमिनिस्ट्रेटर किसको है, बॉस किसको है, न्यूक्लियस को है। दैट इज वाइज न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉस ऑफ द सेल। बॉस ऑफ द सेल इसलिए क्यों कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उन सब का कंट्रोल किसके पास है, न्यूक्लियस का है। ये हुआ न्यूक्लियस के दो फंक्शन। अब नेक्स्ट देखो ऑर्गेनिलीज। ऑर्गेनिलीज होता क्या है, ऑर्गेनिलीज जो है साइटोप्लाज्म के इनसाइड में प्रेजेंट होगा। बहुत सारे ऑर्गेनिल्स है, अब इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।